नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले टोटल गाड़ियाँ जो सेल होती हैं, आखिर कौन सी गाड़ियाँ टॉप लेवल पे चल रही हैं, किस सेलिंग में लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, उस टॉपिक पे बात करते हैं। इस टॉपिक पे बात करना मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे देखते ही लोग मार्केट पर जज कर पाएंगे आखिर कौन सी गाड़ियाँ जो कि लोग ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं। कस्टमर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, रिव्यू कोई भी दिखाया जाए कि ये गाड़ी बहुत अच्छी है, ये गाड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन कस्टमर जानता है कि कौन सी गाड़ी बेस्ट होगी उनके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आखिर कौन सी कंपनी टॉप लेवल पे है ना। तो टॉप लेवल पे सबको पता है कि मारुति होगी, लेकिन आप गेस करो कि कौन सी गाड़ी सबसे ज़्यादा बिकी होगी। तो मारुति ने लगभग 160,272 गाड़ियाँ फरवरी के मंथ में बेची है, जो कि लेटेस्ट है। और उसके बाद गेस करो कौन सी गाड़ी होगी। यस ऑफकोर्स टाटा है। टाटा ने बेची है 51,270 गाड़ियाँ। जिनमें कौन कौन सी गाड़ियाँ आएंगी उसको थोड़ा देर बाद हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इस बार कंपनियों के देख लेते हैं। तीसरे नंबर पर हुंडई है, जो कि 50,201 के समथिंग यूनिट्स गाड़ियाँ बेची है। उसके बाद अपनी महिंद्रा आ जाती है, 42,000 समथिंग गाड़ियाँ। उसके बाद टोयोटा, किया, ह्यूंडई, एमजी, रेनो और वॉक्सवैगन, निसान, उसके बाद सारी जो कॉमन नहीं है उनके बाद वो गाड़ी आ जाती है। तो इन गाड़ियों को देखा जाए तो लोग ज़्यादा जो प्रीफर कर रहे हैं मारुति के, लेकिन मारुति क्यों प्रेफर कर रहे हैं यार लोग, क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में भी थोड़ा देर बाद डिस्कशन करेंगे। लेकिन इससे बाद में हम देख लेते हैं कि कौन सी गाड़ी आखिर सुजुकी में कौन सी गाड़ी ज़्यादा परफॉर्म कर रही है, जो कि लोग ज़्यादा लेना प्रीफर कर रहे हैं और क्यों लेना प्रीफर कर रहे हैं, कम बजट के नाते क्या माइलेज ज़्यादा है। तो चलिए देखते हैं। दूसरा आपके स्क्रीन पर चार्ट दिखाता हूँ, जिसमें मारुति की गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा टॉप लेवल पे हैं। तो देखते हैं कौन सी गाड़ियाँ हैं। तो मारुति की जो पहली गाड़ी है कि जो सबसे ज़्यादा यूनिट बिकी है एक मंथ में ओनली, तो है वैगनार। जी हाँ, क्योंकि ये मिडिल क्लास लोगों की पहली पसंद होती है, क्योंकि छोटी सी है, 5 सीटर है, और इसकी जो यूनिट्स बेची है मारुति ने 19,412 यूनिट्स बेची हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। 19,000 समझ रहे हो, एक दिन में मान लो 800 गाड़ियाँ बेच रहे हैं वैगनार, पूरे भारत की बात की जाए तो। उसके बाद टाटा आ जाती है, टाटा के पंच बहुत ही ज़्यादा टॉप सेलिंग कारों में से एक रही है। वैगनार के पास इसके ज़्यादा प्रीफर लोग कर रहे हैं बिकॉज इसमें सेफ्टी है, लेकिन सेफ्टी का कहीं ना कहीं लोग ज़्यादा दूरी बना रहे हैं, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं मालूम, वैगनार को ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं। हालांकि दोनों की जो बात की जाए प्राइस पॉइंट की, प्राइस पॉइंट सेम हो सकता है, लेकिन अब टाटा ने दो दो CNG भी लॉन्च कर दी है, फिर भी इनकी पंच सेकेंड नंबर पर है, फर्स्ट आना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि उनमें ज़्यादा कुछ देखा जाता है लेकिन माइलेज थोड़ा कम है। तो थर्ड नंबर की बात करते हैं, फिर से हमारी मारुति आ जाती है, इसकी बलेनो। बलेनो यार लोग फालतू का, मुझे लगता है कि जब कस्टमर ही नहीं चाहता कि मुझे सेफ्टी चाहिए तो मारुति सबसे आगे निकल जाती है। तीसरे पर है वैगनार, सॉरी तीसरे पे है बलेनो, जो कि 17,512 यूनिट्स बेची जा रही है, मारुति की सबसे बदनाम गाड़ियों में से एक है वैगनार, सॉरी बलेनो। उसके बाद बात करते हैं मारुति की, फिर आ जाती है डिज़ायर, जो कि रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और इसे टैक्सी में ज़्यादा यूज की जाती है डिज़ायर को। इसकी जो यूनिट्स बेची गई हैं 15,837 के समथिंग। उसके बाद करते हैं पाँचवें नंबर पे भी मारुति की ब्रेजा आ जाती है, 15,762 यूनिट की सेल किया था। उसके बाद एर्टिगा है, क्रेटा है, फिर स्कॉर्पियो है। क्रेटा भी कहीं ना कहीं बहुत आगे निकल जा रही है, इस लिस्ट में हमें नहीं देखने को मिलता, लेकिन दसवें नंबर पे देखने को मिलता है नेक्सॉन है। नेक्सॉन को मुझे लगता है कि ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए, क्योंकि सेफ्टी वाइज और न्यू फीचर्स न्यू लुक के साथ आ चुका है, पता नहीं क्यों लोग ज़्यादा प्रीफर नहीं कर रहे हैं, मुझे लगता है सेफ्टी वाइज जाना चाहिए और इंडिया की गाड़ी है तो लेना ही पड़ना चाहिए ना। उसके बाद करते हैं कि आखिर स्कॉर्पियो का जो बेचा है, स्कॉर्पियो यन की बात कर रहे हैं, 15,000 यूनिट्स बेची है, ज़्यादा हाइप के कारण ये सब ज़्यादा बिक रही है। और बात करते हैं क्रेटा की, तो क्रेटा भी उसी के समथिंग 15,000 के समथिंग, नेक्सॉन का भी वही 15,000 के समथिंग गाड़ियाँ बेची हैं। तो और बात कर लेते हैं आखिर लोग ज़्यादा सुजुकी को ही ज़्यादा क्यों प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो सुजुकी के देने का प्रेफरेंस एक मायने हो सकता है प्राइस पॉइंट, कस्टमर सर्विस और उनकी जो आफ्टर सर्विसेज है, जैसे कि अगर आप कंपनी में ना करा के बाहर भी कराते हो तो हो जाती है, और इनकी जो सेल है बाद में सेल करना हुआ है, आफ्टर मार्केट सेल, सेकेंड हैंड बेचना हुआ तो ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करा देती है, इन कारणों से लोग ज़्यादा मारुति पे जाते हैं। और लोगों में देखा गया है कि बातों बातों में ही लोग मारुति का नाम लेते हैं, यानी कि ये जो कंपनी है ये एक मुख से दूसरे मुख के ट्रांसफ़र होके ज़्यादा मार्केटिंग की है, ना कि इंटरनेट के भरोसे। और इनकी जो बिल्ड क्वालिटी हालांकि कम है, हल्की होने के कारण, बिल्ड क्वालिटी नहीं है तो हल्की ही होगी, हल्की होने के कारण माइलेज ज़्यादा निकाल देती है, उस वजह से ज़्यादा प्रिफ्रेंस दी जाती है और लोगों को माइलेज बहुत ही अच्छा है ना, क्योंकि इंट्री लेवल की जो गाड़ियाँ लेते हैं लोग माइलेज ही देखते हैं, उसके बाद भगवान की दुआ रही तो आगे लेंगे और क्या। तो आज की वीडियो में इतना ही था, और मुझे लगता है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि टॉप
गाड़ियों में से कौन कौन सी गाड़ियाँ लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।